छोड़ दो आंचल राजू क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल राजू क्या कहेगा, ओ हो इन अदाओं का तो राजू भी है दीवाना, बेचारा क्या करेगा, ओ ओ छोड़ दो आंचल राजू क्या कहेगा। क्या हो रहा है, क्या है, क्या है? मैं थोड़ा सा लेट हो गया और यहाँ पर गुल खिलने शुरू। राजू या आप इस तरह क्यों हिल रहे हो? जब मैं टेंशन में आता हूँ तो मैं हिलता हूँ, और मैं इस बच्चे को वार्निंग देना चाहता हूँ, ये लड़की पटाने का प्रोग्राम नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच कॉमेडी का महासंग्राम है। और वैसे भी राखी मेरी है। जी नहीं, राखी मेरी है, मेरी है, मेरी है। अरे छोड़ो, मैं ना उस इंसान से प्यार करूंगी जिसके डोले होंगे, शोले होंगे, डोले यहाँ हैं, जिसकी बॉडी बिल्कुल दारा सिंह जैसी होगी, और जोना जोना बहुत इंटेलिजेंट होगा। अब आप ये बात ध्यान से सुन लें। हाँ। कि मैं जीत गया हूँ। कैसे? मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। सबसे ज्यादा? जी हाँ। दिमाग भरा है तुम्हारे अंदर? जी हाँ। एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। जी बताओ, हम जो खाते हैं कहाँ से निकलता है? सब ठीक तो है, कहाँ से निकलता है भाई साहब? जमीन से निकलता। अच्छा भाई ये बताओ, ऐसी क्या चीज है जो भूरी गाय कर सकती है लेकिन सफेद गाय नहीं कर सकती? भूरी गाय कर सकती है, भूरी, ब्राउन, ब्राउन क्या चीज है? भाग नहीं सकती जो? नहीं, दोनों चलती है, नहीं कर सकती। चलें बता दें आप भाई। बताओ। ब्राउन गाय वो सफेद दूध दे सकती है लेकिन सफेद गाय ब्राउन दूध नहीं दे सकती। एक सवाल बाकी है अभी, मेरे पास टोकरी में 10 सेब हैं, 5 मैंने खा लिए, बाकी कितने बचे? आप बताओ, ऐसा तो नहीं हो? मैं तो गई। अरे अभी भी 10 ही बचे, 5 टोकरी में और 5 पेट में। एक और सवाल एक बाकी है। हाँ बाकी भाई साहब, बाद में कर लेते। नहीं नहीं अभी होगा। शादी के वक्त दूल्हे को घोड़ी पे क्यों बिठाते हैं? ये बोलो। एक घोड़ी तो मत बोल, बता दीजिए। मैं बताऊं? बता दे। शादी के वक्त दूल्हे को घोड़ी पे इसलिए बिठाते हैं, उसको लास्ट चांस देते हैं, बेटा भाग सकता है तो भाग ले। आपको पता है अलवेला खत्री इतनी मेहनत कर रहा है, 3 दिन से जाग रहा है, रात को सो रहा होगा। और हमारा सुल्तान शेख, हाँ, 7 दिन से सो रहा है। मुंह मत लगना, मेरे मुंह मत लगना, मैं कह रहा हूँ। तुम भी मेरे मुंह मत लगा। मुंह मत लगना, मैं कह रहा हूँ। मेरे मुंह मत लगना, मेरे मुंह मत लगना। अरे चुप, तुम दोनों ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। मैं तो एवं मजाक कर रही थी। एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना। पूछो। ये दुपट्टा, ये परांदा, ये पराठा, ये शलवार, पराठा, एकदम तुम पंजाब लग रही हो, पंजाब। सरसों का साग कहाँ है? आज ना बैसाखी है, बैसाखी। अच्छा वो वाली जिसमें बोलते हैं, ओ जट्टा आई बैसाखी, ओ जट्टा आई बैसाखी, ओ जट्टा आई बैसाखी, ओ जट्टा आई बैसाखी। ये 5 एपिसोड्स की खास श्रृंखला चल रही है और आज है उसका दूसरा एपिसोड। और पिछले एपिसोड में हिंदुस्तान के अलबेला खत्री और पाकिस्तान के सुल्तान शेख के बीच में हुआ था टाई, और देखते हैं कि आज क्या होता है। आज होगा क्या? जीतेगा हिंदुस्तान का अलबेला खत्री। अरे जीतेगा पाकिस्तान का सुल्तान शेख। चलो अभी फैसला हो जाएगा। आवाज दे रहा हूं हास्य के मंत्री अलबेला खत्री। मैंने थोड़ी देर पहले देखा हमारी ऑडियंस में से एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा था,
आपकी घड़ी में कितना बजा है? वो बोली 10 बजे हैं, मेरी भी घड़ी में 10 बजे हैं, हमारे विचार कितने मिलते जुलते। क्या बात है, वाह। दो बेवड़े आपस में बात कर रहे हैं, बेवड़े भी बात करते हैं, शराबी शराबी बात कर रहे हैं। पहला कह रहा था, यार लगता है मैं आजकल बहुत कमज़ोर हो गया यार, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। बोला कैसे पता लगा? बोला यार कल मैं कुतुब मीनार को हिला रहा था, हिली नहीं। तो पहला बोला हिलती कैसे, मैंने पकड़ जो रखी थी। पिछले दिनों आगरा गया, आगरा में कुछ घटनाएं घटी। आगरा स्टेशन पे राखी जी, मैं जैसे ही उतरा मैंने एक से पूछा, भैया बाहर जाने का रास्ता किधर है? वो बोला बाहर जाके पूछ लो। मुझे प्यास लगी थी, पानी पीना था, मैं पानी ढूंढ रहा था, मैंने एक बोर्ड देखा, बोर्ड पे लिखा था पीने का पानी अंदर है, नीचे लिखा था अंदर आना मना है। किसी तरह मैं बाहर निकला, रिक्शे वाले से मैंने पूछा भैया सूर्या होटल का क्या लेगा? बोला बेचना ही नहीं। बच्चे ने बाप से पूछा, पापा आपकी नज़र में मेरी कीमत कितनी है? बाप बोला भैया करोड़ों का अनमोल है यार, तेरी क्या कीमत हो सकती है? नहीं नहीं आप सीख ठीक बताओ मेरी कीमत कितनी है। तू करोड़ों का है तो उसमें से 500 रुपये नकद दे दो। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की सगाई हो गई, सगाई का समारोह बिग बी के घर में चल रहा है और अंताक्षरी खेली जा रही है। क्या बात, कुछ लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, अंताक्षरी का विषय है ऐश्वर्या राय, सब अपने मन की बात कह रहे हैं। शुरुआत करती है अंताक्षरी की श्रीमती जया बच्चन। खंबे जैसा खड़ा था लो सल्लू गिर पड़ा है, मेरी बहू से लड़ा था पी के कहीं पे पड़ा है, आंखों में गुस्सा है होंठों पे गाली है, देखो लोगो हाल हुआ है क्या है से खड़े हुए अमिताभ जी, रंग भर से भीगे बहु बंगाली, रंग भर से और रंग भर से भीगे बहु बंगाली, रंग भर से सोने के चम्मच में शहद मंगाया, चाटे चटोरा बाप बलम तर से, रंग भर से अमर सिंह जी, साडे नाल रहोगे तैश करोगे जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे, साडे नाल होय होय साडे नाल। अब एक जवाब आता है करिश्मा कपूर का, बीबी बनाई है तू जिसको पिया, अर्थ ऐश का तो राख है, राख है, राख है, राख है, राख है, वो क्या जलाएगी बीड़ी तेरी जो खुद ही ठंडी खाक है, खाक है, खाक है। अब ऐसे अभिषेक बच्चन खड़े होते हैं, हम बेटे अमिताभ के अपनी हो गई ऐश, ऐश कमा कर लाएगी हम तो गिनेंगे कैश, कुर्ता फाड़ के फाड़ के फाड़ के रे, कुर्ता फाड़ के फाड़ के रोया सलमान, कुर्ता फाड़ के करिश्मा चाहे कुछ भी बोले हम हैं डेढ़ सयाने, विवेक ओबराय के भी आ गए होंगे होश ठिकाने, कुर्ता फाड़ के फाड़ के फाड़ के रे, कुर्ता फाड़। इतनी बात सुनने के बाद जब क अक्षर आया तो वो खड़ा हुआ जो सबसे बड़ा ताल्लुक है इस गीत के साथ, सलमान खान। कोई जब तुम्हारा करम फोड़ दे बाजा बजा कर कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये सल्लू खड़ा है खड़ा ही रहेगा तुम्हारे। वाह वाह क्या
बात है। उसका जवाब देती है ऐश्वर्या राय, रब्बा सलमान गया तुम्हारा, सलमान गया तुम्हारा, अपने हो गए पौबारा, अब हम तो भए अभिषेक की के तेरा चांस कोई नहीं, के तेरा चांस कोई नहीं। और आखिर में विवेक ओबराय भी अपने मन की बात कह देना चाहते हैं। हा हा ही हो किसना को न छोड़ो, बन जाओ तुम मेरी उमराव जान, कौन खेत की मूली सलमान, तुम जो मिल जाओ मैं अपने बाप को पहचानू ना, ही हो किसना को न छोड़ो। थैंक यू वेरी मच। बाबा मजा आ गया। थैंक यू। और वक्त है स्कोर्स का, और अलविला जी को मिलते हैं सबसे पहले काशिफ भाई की तरफ से। अलविला जी जी, आज हम आपको 8 नंबर देते हैं 10 में से। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राखी जी बहुत बढ़िया, मैं पंजाब से सीधा यही आई हूँ आपका शो देखने वास्ते। वाह जी वाह। पानु देना है 10 में से 7। क्या बात। मैं तो तने दे रही हूँ 10 में से 8। क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। अलबेला खत्री को मिले हैं 23 पॉइंट्स। इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम शुरू हो चुका है और अलबेला खत्री ने ललकार दिया है पाकिस्तान के सुल्तान शेख को। सुल्तान शेख आएंगे और अपनी धमाल मचाएंगे। वेलकम बैक टू द इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम। ये महासंग्राम शुरू हो चुका है। इसके पहले राउंड की पहली एंट्री में अलबेला खत्री को मिले 23 पॉइंट्स। अब उनको चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान के जनाब सुल्तान शेख। आ गया आ गया सुल्तान शेख, आ गया सबको हंसाने, आ गया रंग जमाने, आ गया आ गया आ गया सुल्तान शेख, आ गया। थैंक यू वेरी मच। खान साहब की मेहमान नवाजी बड़ी निराली होती है। वो जब हम लोग जाते हैं ना, जो मेहमान नवाजी करते हैं खान साहब, उस वक्त बड़ा मज़ा आ रहा होता है। खूब खाना वाना खिलाते हैं, आदमी को इतना खाना खिलाते हैं हैजा हो जाए। और उसके बाद जीप निकाल के जो तफरी करा रहे होते हैं, बाकायदा बता रहे, देखो ये वाला बाजार जो है इधर, ये बकरा मंडी है, इस वाले बाजार के अंदर देखो इधर ये सारा कपड़ा वपड़ा मिलता है औरतों वाला, इधर वाला जो इधर जेवर मिलता है, इधर एक जगह से जब गुजरे ना तो खान कह रहे, वो सुल्ताना नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो। मैंने कहा मैं क्यों बैठूं? ओ भाई इधर हमारा दुश्मनी है। तो मैंने कहा दुश्मनी है, तुम नीचे बैठो। कहने तुम समझा नहीं है यार, पिछली मरतबा हमने उसका मेहमान मारा था। अच्छा शादी एक ऐसा फल है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। जब आदमी सोचता पछताओ है, पछताना है तो खा लो, वो खाता है तो हमारी तरह हो जाता है। शादी सिर्फ 15 दिन खिदमत होती है, 15 दिन के बाद आदमी 15 साल चाय बनाता है। और 15 दिन तक वो जो खिदमत कर रही होती है ना, तो बड़े प्यार से उठा रही होती है, ए उठो ना उठो ना, चाय पापे तैयार हैं। और 15 दिन के बाद दबा, उठो नेस्ती हैं, इधर का बेवड़ा लगा के सो रहा है तू, ये कर रहा होता है। और शादी के बाद जो है ना, आदमी बीवी को, नई नई बीवी होती, छत जरूर दिखाता है, छत पे जरूर ले जाता है, नया नया आदमी, चाहे फ्लैट की छत हो, भले ऊपर वाले किराएदार कोई और हो, उसके ऊपर की छत हो, लेकर जरूर जाएगा, फड्डा करके जाएगा, कहने नहीं दरवाजा खोलो मेरे को लेकर जाने का है। उधर डोर वोर खुलवा के ऊपर ऊपर जाते हैं ना, तो बीवी अलग अलग बातें कर रही होती है, कहने सुनो आज चांद नहीं निकलेगा क्या? वो नई नई जवानी फूट रही होती है ना, उस वक्त आदमी पता है गुस्सा भी कर जाता है, कहने चांद की क्या मजाल जो निकले, तेरे होते हुए चांद की कोई मजाल है? इधर निकल के दिखावे उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। वाह,
और उसके 5 बरस के बाद जब आदमी हल्का हल्का एजिट होना शुरू हो जाता उस वक्त वो पूछ रही होती है, सुना आज चांद नहीं निकलेगा क्या? कहने ये निकला ये देख। और एक उम्र होती है बुढ़ापा, खतरनाक किस्म का बुढ़ापा। अब तो हल्की आंच पे हम भी आ गए। हल्का वो जो बुढ़ापा होता उस वक्त जो बुढ़िया 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 और बुढ़ा बातें कर रहे होते हैं, अरे हाय मैंने कहा राजू के अब्बा आज चांद नहीं निकलेगा, तो वो राजू का अब्बा बोल रहा है कहले अब निकले भी तो क्या फायदा। एक साहब जो है ना दूसरे साहब के पास आए, आने के साथ कहना शुरू कर दिया, कहने तुझे पता है मेरे बाप की आंखें गिद्ध जैसी हैं, पक्की पक्की गिद्ध जैसी, बड़ा टेढ़ा आदमी है, लौंबड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह धाड़ मारने वाला, चीते की तरह चाल चलने वाला और भेड़िए की तरह जालिम किस्म का आदमी है। वो आदमी उससे कहने लगा, कहने एक बात बता तेरे बाप का टिकट कितना है? इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम धीरे धीरे अपने शबाब की तरफ बढ़ता जा रहा है और अब वक्त है पॉइंट्स का। सबसे पहले भाईजान, हम आज आपके सर पे जरूर पगड़ी देखना चाहते हैं, तो ख्याल रखिएगा। और सुल्तान भाई आज की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी, इस पर मैंने आपको 7 पॉइंट देने हैं, ठीक है? 10 में से। राखी, 10 में से ना 8 देने हैं मुझे, तो ले लो। 10 में से मिल गयो धने 8। महासंग्राम जारी है, हमारे दोनों योद्धा महासंग्राम की तैयारियों में जुटे हैं। बैसाखी के शुभ अवसर पर पेश हैं हम सबके चहेते गुरप्रीत गुग्गी। तरफ से और पूरे पंजाब की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को और साथ में अब तो पाकिस्तान को भी बैसाखी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे सामने बैठे हैं मेरे राजू भाई, राजू भाई बहुत बहुत प्यार आपको, बहुत बहुत प्यार। और राखी सावंत जी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सॉरी, नमस्कार। नमस्कार मतलब सत श्री अकाल पाजी, पाजी नहीं गुग्गी जी। और काशिप भाई आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। वालेकुम आदाब। मैं तो बैसाखी का संदेश लेके आया हूँ, बैसाखी का हमारा ये बहुत बड़ा बड़ा त्यौहार है पंजाबियों का, इसको पंजाब में बहुत जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, मेले लगते हैं, तो ऐसे एक बहुत बड़ा मेला चल रहा था हमारे पंजाब में बैसाखी का, तो ऐसे एक भाई साहब बैठे हैं दीवार पे, मेला चल रहा है उदास बैठे हैं, तो एक भाई साहब और रोते रोते आए तो आके बोल रहे हैं, भाई साहब आप ऐसे क्यों बैठे हैं? बोला क्या बताऊँ यार, मेले में मेरी वाइफ गुम हो गई यार, मेरी बीवी गुम हो गई। बोला मैं भी इसीलिए बैठा हूँ भाई, मेरी भी वाइफ गुम हो गई, मेरी भी बीवी गुम हो गई। बोला अच्छा, तो भाई साहब को लगा ये तो यार मजाक कर रहा है मेरे साथ, तो ये तो मतलब मेरे को खेल रहा मेरे साथ, चिढ़ा रहा मेरे को, तो वो स्टेज पे चले गए। तो स्टेज पे जाके उन्होंने अनाउंस किया कि देखिए मेरी बीवी इस मेले में गुम हो गई है, उसकी निशानियां नोट करिए, 6 फीट लंबी, गोरी चिट्टी नीली नशीली आंखें, हिरनी जैसी चाल, भूरे भूरे बाल, जिस किसी को मिले मुझे लाके दे, मैं 5,000 रुपया इनाम दूंगा। तो भीड़ में से एक बोला मुझे लाके दोगे मैं 10,000 दूंगा। हमारे स्कूल में बड़ा अच्छा फंक्शन था, मंत्री साहब आने वाले, तो मुझे उन्होंने कहा कि गुगी सामने आके तुम स्टेज पे कुछ सुनाओगे, तो मैंने अपनी वो खानदानी निक्कर पहनी जैसे मैंने वो बताया, उसका इलास्टिक तो खराब था, तो मैं स्टेज पे चढ़ गया, मुझे पोइम सुनानी थी, ये हिंदुस्तान प्यारा है, ये देश हमारा है हिंदुस्तान प्यारा है, तो मैं स्टेज पे चढ़ के शुरू हो गया, ये देश प्यारा है
हिंदोस्त रुक जा तू कहने हिंदुस्तान हमारा है ये हमको जान से भी प्यारा है हिंदुस्तान हमारा है। जैसे मैं पोएम सुना के नीचे उतरा मैंने अपने टीचर साहब को मैंने पूछा मैम हमारी पोएम अच्छी थी। बोले पोएम तो बहुत अच्छी थी बेटा लेकिन बार बार जो निक्कर ऊपर कर रहा था ना बहुत बुरा लग रहा था निक्कर उठा रहा था बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा मैडम निक्कर नहीं उठाता ना तो और भी बुरा लगता। वैसे तो वैसाखी हमारा पंजाबियों का बहुत उत्साह वाला त्यौहार होता है लेकिन इस बार थोड़ा वैसाखी का मज़ा किरकिरा हो गया क्योंकि हमारी इंडिया की टीम अभी अभी इंसल्ट कप खेल के आई है। नहीं मुझे पता है वर्ल्ड कप होता है लेकिन वर्ल्ड कप उनके लिए जो अभी खेल रहे हैं हमारे लिए तो इंसल्ट कप ही है वो। सही है पाजी बिल्कुल सही हैगा। जो हालात अभी देखे हमने अपने क्रिकेट के मैं तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट करप्शन ऑफ इंडिया को ये कहना चाहता हूँ कि आप क्यों इस कप के पीछे भागते हैं। आप ऐसा कीजिए ना ये कप छोटे छोटे कप हैं दफा कीजिए इस कप को आप अपना एक नया कप तैयार कीजिए वर्ल्ड कप। नाइजीरिया को बुलाइए भूटान को नेपाल को जापान को चाइना को जो वर्ल्ड कप खेलते नहीं है उन टीमों को बुलाइए अपने घर में वर्ल्ड कप करवाइए उनको हराइए उनको बोलो आप जाइए। अच्छा अच्छा अपना वर्ल्ड कप अपने घर में रह जाएगा इसी तरीके से इज्जत बच सकती है अपनी। सोचें कि वर्ल्ड कप हारने में किसका ज़्यादा कसूर है किसी एक को अगर हम दोष ना दें तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा कसूर है ईस्ट इंडिया कंपनी का। टीम इंडिया हारी है ईस्ट इंडिया के कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई अंग्रेज़ों ने हम पर हुकूमत शुरू कर दी अंग्रेज़ों का विद्रोह हुआ बगावत हुई अंग्रेज़ों को देश से भगाने की तैयारियां हुई अंग्रेज़ों को देश से भगाया गया वो भागते भागते हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के गए हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला बांग्लादेश निकला तो वर्ल्ड कप से अपना इंडिया निकला। आज हमारे पास बहुत बहुत बड़े दिग्गज इस समय आए और हिंदुस्तान पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही है एक हमारे दोस्त कलाकार हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे पाकिस्तान को इस प्यारी सी खूबसूरत सी भिड़ंत को क्योंकि जितना सुकून इस लड़ाई में मिलता है वो बॉर्डर वाली लड़ाई पे कभी नहीं मिल सकता। मेरे दोस्त मेरे भाई लड़ना है तो यहां लड़ो जिसमें हंसी के फुहारें छूटें बंदूक से गोलियां ना छूटें और आप भी हंसिए हंसाइए और दुनिया में सिर्फ हंसी लुटाइए। थैंक यू वेरी मच। गुग्गी पाजी ऐ तुसी सही गल कीती है एकता और भाईचारे दी गल तो चलती रहनी चाहिए और चलता रहेगा साडा इंडो पाक कॉमेडी दा महासंग्राम। और आप देखना साडा धुरंधर सिपाही अलवेला खत्री जीतेगा। अरे हमारा जीदार सिपाही सुल्तान शेख जीतेगा। वेलकम बैक टू इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम। कॉमेडी का महासंग्राम जिससे के पहले शुरू हो दोनों योद्धा मंच पर आए एक दूसरे को ललकारें उससे पहले हम कासिफ खान को दावत दे रहे हैं को यहां आए और इस युद्ध भूमि में हंसा हंसा के गर्मी पैदा करें। दावत दे रहे हैं कासिफ खान पहले से आ गए। अरे इंडिया पाकिस्तान के इस कॉमेडी के महासंग्राम में एक बार फिर आ गए आपके सामने काशिफ खान और कबूल कीजिए हमारा सलाम सलाम। अच्छा क्रिकेट टीम का आपको पता है कि आजकल क्या हाल है? क्या हाल है? अरे बुरा हाल है जी। हाँ बहुत ही ज्यादा बुरा। आजकल हालात कैसे हैं? मैंने कहा इसमें हा अलग है और लात अलग है और मैंने सोचा कि भाई ये जो क्रिकेट टीम है लड़कों की क्रिकेट टीम ये तो वर्ल्ड कप जीत के नहीं ला सकती नहीं तो क्यों ना लड़कियों की क्रिकेट टीम बना ली जाए। टीम की कैप्टन होंगी बिपाशा बासु और बाकी जो लड़कियां होंगी उनको जब फील्ड प्लेसिंग करेंगे ना उनकी तो फील्ड प्लेसिंग मैंने सोची हुई है। मलाइका अरोड़ा हाँ फाइन लेग पर हाँ है बिपाशा स्क्वायर लेग पर और मलिका शरावत लॉन्ग लेग पर और राखी जी कहाँ होंगी पता है? कहाँ? गली में लेकिन एक्स्ट्रा कवर के साथ।
मेरे एक डॉक्टर दोस्त बहुत होशियार हैं, वो नर्स देखकर बता देते हैं कि मरीज कितने दिन में ठीक होगा। अच्छा। और उनकी बीवी उनसे ज़्यादा होशियार हैं। ये तो हमने सुन रखा है ना कि एक सेब रोज़ खाएं और डॉक्टर से दूर रहें, तो वो जब भी अपने डॉक्टर मियाँ का लंच भेजती है ना, उसमें उसकी खूबसूरत नर्स के लिए एक सेब ज़रूर भेजती है। और वो हमारे वो डॉक्टर दोस्त एक मरीज़ को दवा दी, बोला भाई इस दवा से फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताना। कहने लगा डॉक्टर साहब क्यों? बोला मुझे खुद यही बीमारी है। कुछ दिन पहले एक बड़ी सुपरहिट फिल्म थी निशब, हम फिल्म देखने के लिए गए, टिकट नहीं मिली, दूसरे दिन गए फिल्म नहीं मिली। मेरे एक दोस्त ने कहा कि निशब की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कैसे? मैं फिल्म देख रहा था, कोई मेरी चप्पलें चुरा के ले गया। मैंने कहा तो चप्पल उतार के फिल्म क्यों देख रहे थे? बोला भाईजान कुछ फिल्में होती है ऐसी हैं जिन्हें देख के चप्पल उतारने को मन करता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ओके सी यू, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़, फी अमानल्लाह, शब बख़ैर, इंशाल्लाह मौका मिला जिंदगी रही अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। ओए कोच, ओ भाई आपने देखा मुकाबला टक्कर का? ओ ये टक्कर ऐसा वैसा नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का है, अभी चालू है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का इस टक्कर में आपको पता है ये कॉमेडी का मां संग्राम हो रहा है और बराबर मुकाबला चलता है। बराबर है लेकिन एक मसला और खराब है। वो क्या हो गया कुछ? राजू भाई तुम इधर ही बैठा है यार। मैं बैठे? तुम कुछ सुनाता नहीं है। वो यार तुम बोलो हम सुनाए। कभी कभी किस तरह से डॉक्टर आते हैं, धड़ा डॉक्टर, हेलो भाई, ये अच्छा बड़ा डॉक्टर है, अजी क्या हाल है, अरे बोलिए, लगिए, आ हाय, लगिए, मार का लाइए 250 रुपये। अच्छा 250। हाँ दूसरे दिन फिर आए, भाई ये डॉक्टर जोशी हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ऐसे कहीं जाते नहीं है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से पेशेंट की छाती पे उतरते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब इनको देखिए जरा, आपका पल्स कैसे, ये कैसे, नल्स कैसे, मल्स कैसे, आपका नल कैसे, 5000 दीजिए, हाँ 2000 दीजिए, आप 5000 दीजिए, 2000 दीजिए, 3000 दीजिए। एक दिन आगे बोला और फायदा हो रहा है? सत्यानाश जाए, जितना तेरे को फायदा हो रहा है उतना मुझे नहीं हो रहा है। और मैंने कुछ पॉइंट ऐसे नोट किए हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं ये आप हॉस्पिटल में बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेंगे। पता चला ऑपरेशन से पहले डॉक्टर पेशेंट के पैर छुए लिटा के, काली माँ ये मेरा पहला ऑपरेशन है, बलि समझ के ले लो। अचानक डॉक्टर के, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर गुप्ता मेरा मोबाइल कहाँ है? डॉक्टर साहब आपने 3 नंबर वाले का पेट खोला है उसमें तो आप बाई चांस भूल तो नहीं गए? नहीं भाई मैंने पेट के तो बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं तो पता नहीं किस। सर डायल कीजिए ना, घंटी बजेगी, डायल कीजिए घंटी बजेगी। इसने जैसे ही डायल किया 3 नंबर वार्ड में 6 नंबर पेशेंट के पेट में से आवाज़ आ रही, घड़ोड़ों 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 घड़ोड़ों। उसने आवाज़ सुना तो कम्बल ओढ़ लिया। बगल वाला पेशेंट वाले बोला तुम्हारे से तो बज रहा है, काहे नहीं बोल रहे हो, चुप रहो बताओ मत हमारे पेट से बज रहा है, ये ससुरे लोग सुन लेंगे, कम्बल वो निकाल के फेंक देंगे, ससुरा सब टाका फिर काट देंगे, ये ससुरा 3 बार मोबाइल भूल चुका हमारे प्लेट में, हम ऐसे 1000 बार कहा है डॉक्टर से, 1000 बार हम ऐसे कह चुके हैं कि जिप लगा दो, कोई चीज खोलो धरो फिर निकालो, खोलो धरो फिर निकालो। क्या बात है, लवली राजू जी जानी छोड़े। हमारे मनोहर भैया गजोदर से बोले, एकदम से आके बोले, अरे भैया पा लगी है, बताओ पा लगी, हमारा जो शादी का कार्ड है तो वही मतलब जो है न्योता दे आए हैं, शादी कर रहे हैं। अच्छा तो किससे कर रहे हो? लड़की से? का मतलब जो मतलब और किससे कर बात कर मां छोड़ किससे और कैसे करे साथ में जो मन में पके चले जाओ तू। हां हम आदमी हैं तो कैसे करे साथ, लड़की नहीं करे तो लड़के से बात कर,
अरे काहे गुस्सा रहे हो, लड़का से भी शादी होता है, हमारी बहन एक लड़का से शादी की है। इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम, आज के एपिसोड का आखिरी लेवल। इस एपिसोड में निकलेगा रिजल्ट, और पिछले राउंड में भी दोनों 23-23 पॉइंट पाके बराबरी पर छूटे थे। अब शुरू होता है नतीजे वाला राउंड, और सबसे पहले आवाज दे रहा हूं अलबेला खत्री। देखो अलबेला ये हंसने आ गया, हंसा हंसा के पेट भरने आ गया। अरे देखो अलबेला ये हंसने आ गया, हंसा हंसा के पेट भरने आ गया। देश की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, सब जानते हैं। मैंने तो एक अंधा भिखारी देखा, उसके 24 बच्चे। अरे मैंने कहा भिखारी कमाल यार, अंधा और 24 बच्चे, अरे आंखें होती तो। बोले बाबूजी कमाल करते हो, भिखारियों से मजाक करते हो। बाबूजी भिखारी हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ, आंखें होती तो दो चार ही होते। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे? बाबूजी जिनको आंखें होती हैं उनको और भी काम करने पड़ते हैं। एक सवाल है राजू भाई के, जनता को आम जनता क्यों कहा जाता है? क्योंकि आम बड़े काम की चीज होती है। आम जब कच्चा होता है तो अचार डालने के काम आता है, आम जब पक जाता है तो काट के खाने के काम आता है, और आम जब बूढ़ा हो जाता है, पिलपिला हो जाता है, चूसने के काम आता है। मैंने बहुत से भ्रष्ट नेताओं की बात की थी, मैं एक अच्छे नेता की बात करता हूँ। छोटी सी घटना है, घटना सिर्फ इतनी सी है कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत ही बड़े कवि हैं। ये दुनिया को तब पता लगा जब वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके पहले ना लता मंगेशकर ने उनको गाया, ना कुमार शानू ने गाया, ना जगजीत सिंह ने गाया, किसी ने नहीं गाया, ना कविताओं का उनका एल्बम आया। लेकिन आजकल कल्पना कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी आपके सामने कविता सुनाने खड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कविता सुनाएंगे तो वो कविता कैसी होगी, सुनना और झूम के आनंद लेना। अटल बिहारी वाजपेयी, पहले जैसे दिवस नहीं है और पहले जैसी रात नहीं है, नेता तो अब भी हूं लेकिन पीएम जैसे ठाट नहीं है। नेता तो अब भी हूं लेकिन पीएम जैसे ठाट नहीं है, माया ममता ललिता सुषमा कोई कन्या साथ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। शादी की बात आप कर रहे थे, शादी के लिए लड़का लड़की देखने जा रहा था, तो बाप ने समझाया कि बेटा लड़की देखने जा रहा है ना, कुछ लेन देन की बात भी चलेगी, तो कोई बड़ी चीज मांगना तो ठीक ठाक मिलेगी। जैसे तुझे कार चाहिए तो हेलीकॉप्टर मांगना तो कार मिलेगी, फ्लैट चाहिए तो बहुत बड़ा बंगला मांगना तो फ्लैट मिलेगा। समझ गया बेटा? बोला समझ गया। ससुराल जाके लड़की की माँ को ही मांग लूंगा, कम से कम लड़की तो मिलेगी। अलबेला खत्री जी, आपके लिए स्कोर्स तैयार हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान, इस बार हमने आपको 10 में से 7 नंबर दिए। और राखी, हाँ देखिए अलबेला जी, मैं तो हूँ पंजाब की कुड़ी, और ना मैं ना सबके साथ बिल्कुल इंसाफ़ी करती हूँ और ना इंसाफ़ी नहीं होने देती, तो मैं ना आपको 10 में से 7 देती हूँ। मैं अलबेला ने दे रहा हूँ 10 में से 8। क्या बात, ले लो। वेलकम बैक टू इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम। फाइनल राउंड में आखिरी योद्धा का वक्त आ गया, अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, सबको हंसाने का। तो एक बार फिर से दावत देता हूं जनाब सुल्तान शेख। अच्छा एक साहब बहुत लंबे, मुझसे भी ज्यादा लंबे, बीवी उनकी इतनी सी छोटी। एक साहब ने एतराज किया, कहले भाई आप इतने बड़े और भाभी इतनी छोटी क्यों?
कहने यार मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा। स्कूल की बिल्डिंग को आग लग गई, तमाम बच्चे खुशियां मना रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग को आग लगी, तमाम बच्चे खुशियां मना रहे हैं। एक बच्चा साइड में बैठकर जो है ना चुप रो रहा है, तो हेडमास्टर आया, उसके सर पे हाथ रखा, कहले बेटे इसमें रोने की क्या बात है, स्कूल की इमारत को आग लग गई। तो बच्चा पलट के कहता है, कहले मैं इसलिए थोड़ी रो रहा हूँ कि स्कूल की इमारत को आग लग गई, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ तुम जिंदा हो फिर बना लोगे। तो मेकअप के बारे में एक ज़माने में मैंने अपने अम्मी से पूछा, अम्मी को हम प्यार से अम्मा कहते थे, मैंने कहा अम्मा आपके ज़माने में मेकअप, कहने क्या खाक मेकअप, तेरे अब्बा कंजूस सड़ूस मनूस। और मैंने कहा मेरे बाप को क्यों कोसने दे रही हो, कहने क्यों कोसने नहीं दूंगी, 1950 में एक लिपस्टिक ला के दी थी वो लटक रही। और मैंने कहा अम्मा कैसी औरत हो 1950 से लेकर अब तक चल रही है, कहने क्या करती, तेरा बाप आया मेरा घूंघट उठाया मुझसे कहने लगा रजिया कड़की का ज़माना है, किफ़ायत शुआरी से काम लेना, बचत से काम लेना, एक लिपस्टिक लाया हूँ ऊपर के होंठ में लगा के नीचे यूं कर लेना। क्योंकि मेकअप का अजल से चला आ रहा है, अब यह है कि आइंदा आने वाला वक्त जो है बम्बई और कराची अल्हम्दुलिल्लाह और मजीद साथ साथ हो जाए तो आपको पता चलेगा कि ये ब्यूटी पार्लर वगैरह जो है थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह पर 5,000 रुपये के बैंकॉक सिंगापुर से मेकअप बॉक्स मिलेंगे, बटन दबाया ढक्कन खुला मुंह अंदर। किसी दिन गलत बटन दब गया पता चला रजिया अब्दुल शकूर बन के भागी चली जा रही है। बच्चे, बच्चों का हिसाब किताब चल रहा था, बच्चों की ऑब्जर्वेशन है एक छोटी सी, वो बड़ा मजा आता है जब बच्चों को अगर माँ कह देना कि बेटा मेहमान के आगे आना नहीं है और खाने की प्लेटों पर ध्यान नहीं देना है, तो बच्चा सोच लेता है कि माँ ने कहा है इसमें कोई लॉजिक है, वो बच्चा पलट के पास ही जो है ना घूम रहा होगा। वो 50 से ऊपर वाले को ज्यादा छेड़ रहा होता है, वो पांव से इंडिकेट कर रहा होता है। वो उसकी पलट की तरफ देख रहा होता है। अब जब आदमी बोतल पीता ना बच्चे को देखना चेक करना, वो पूछ भी रहा अंकल ये मीठी होती है ना, वो भी कहता नहीं इसमें जहर होता, ले तू पी ले। और अब वक्त है फाइनल स्कोर्स का, रिजल्ट्स का। सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं हास्य के मंत्री अलबेला खत्री। क्या बात है। और अब वक्त है हमारे मेहमान कलाकार का। क्या बात है, मेहमान और मेहमान, क्या बात है। स्कोर्स तैयार हैं? या भैया सुल्तान भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और वाकई वो कहते हैं कि जो जो आप परफॉर्म करते रहे साथ साथ एक फ़ख्र भी होता है ना, फ़ख्र का भी एहसास रहा। और जिस तरह पिछले हफ्ते ये हुआ कि बहुत क्लोज़ मुकाबला रहा, आप लोग टाई कर गए, इस बार भी मेरे पास आपके लिए 7 नंबर हैं। थैंक यू। राखी, वैसे मैं ना पंजाब की कुड़ी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करती, पहले भी कहा था हूँ भी कहाँगी, तो मैं तुहानू भी साथ देंगी। क्या बात है। और हमारे एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं, वाह, तो आपको मिलते हैं फिर से 7। जी हाँ, एक बार फिर सुल्तान भाई को मिले 21, अलबेला खत्री को मिले 22। आज के विनर है अलबेला खत्री। जी सत श्री अकाल। इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम, ये था हमारा दूसरा एपिसोड और इसमें फैसला हो ही गया। तो आज के कॉमेडी के महाराजा हैं अलबेला खत्री। पगड़ी के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध अलबेला नाचेगा और हम नाचे सग पगड़ी के। इसी तरह से हमारे एपिसोड्स आगे बढ़ते रहेंगे
और पांचवें एपिसोड में होगा ग्रैंड फिनाले। उसमें जो जीतेगा वो अपने देश ले जाएगा शानदार ट्रॉफी, मे बी हिंदुस्तान मे बी पाकिस्तान, दोनों देशों के लिए जिंदाबाद।